आप सबका स्वागत है। मैं घर नई रसोई और आज है मेरी बेटी का बर्थडे, तो मैं बहुत खुश। तो मैंने सोचा चलो कुछ नहीं तो एक इंस्टेंट केक बनाते हैं, जल्दी से रसोई में चलते हैं और मिल्क पाउडर केक बनाते हैं। आज मेरी बेटी का बर्थडे है और मैं अपने नए किचन में बना रही हूँ आज सबसे पहले उसके बर्थडे के लिए केक। तो बहुत ही इजी रेसिपी बताने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ एक नया सा रेसिपी ट्राई की जाए। तो मैंने थोड़ा सा डाला इसमें घी और इसी में डाल दूंगी थोड़ा सा ठंडा दूध, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी में डाल दूंगी मैं शुगर, जितनी मैंने शुगर ली है उतना ही मैंने मिल्क लिया है, उतना ही लिया मैंने कोकोनट पाउडर, ये भी इसमें डाल दूंगी। ये देखिए, और सबसे इजी रेसिपी वाला केक बता रही मैं आपको, जिससे घर में कुछ ना हो तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं। मुझे एकदम दिमाग में आया कि जल्दी से कुछ ना छोटा सा अच्छे से रेसिपी बनाई जाए जो कि व्रत में भी हम खा सकते हैं और बना भी सकते हैं, क्योंकि आज 11 मैंने सोचा व्रत वाली ही बनाती हूँ। और ये डाल रही हूँ मैं मिल्क पाउडर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए बनाने में समय इसमें बहुत ही कम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट समय लगेगा और फटाफट से ये बन जाती है। ये देखिए, इसी में डाल दूँगी मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर। मुझे लग रहा है ये बन के तैयार हो गया है, तो हम क्या करेंगे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, एक पार्ट मैंने ये ले लिया, एक पार्ट में मैं क्या करूंगी थोड़ा सा कलर डाल दूंगी, दो ड्रॉप में डबल रेड वेलवेट कलर डाल दूंगी, जिससे कि बहुत ही सुंदर सा कलर आ जाएगा। और केक टिन में मैंने ऑयल लगा दिया है घी अच्छे से, और इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। देखिए हाथों से कर देंगे इसको ऐसे आराम से। ये देखिए, हल्का सा मैंने घी लगा लिया हाथ पे और इसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया। अब हमारा दूसरा वाला जो है, देखिए व्हाइट वाला, इसको भी मैं क्या करूंगी इसी में अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से कर दिया, इसको 10 मिनट के लिए मैं ऐसे रख दूंगी जिससे कि ये सेट हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे।